एक रेस का आरोप सुबह अम्मा कहा, रात में साथ सोने की डिमांड। महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ रहे यौन शोषण के मामले को देखकर लग रहा है कि महिलाएं देश के किसी कोने में भी अब सुरक्षित नहीं हैं। यहां तक कि सिलेब्स के साथ हुए यौन उत्पीड़न के खुलासों ने भी इंडस्ट्री का हिलाकर रख दिया है। हाल ही में एक तमिल एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ रहे कास्टिंग काउच के विरोध को लेकर सरेआम सड़क पर टॉपलेस हो गई थी, लेकिन अब एक और एक्ट्रेस ने यौन शोषण को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक्ट्रेस संध्या नायडू ने हैदराबाद के सोमाजी गुड्डा क्लब में हुई वुमेन्स मीट के दौरान कास्टिंग डायरेक्टर पर हैरान कर देने वाला आरोप लगाया है। एक्ट्रेस श्री रेड्डी द्वारा बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले 10 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही एक्ट्रेस संध्या ने बताया कि उन्हें इंडस्ट्री में ज्यादातर माँ और आंटी के किरदार मिलते हैं, लेकिन वो सुबह शूटिंग स्पॉट पर तो मुझे अम्मा कहकर बुलाते हैं, लेकिन रात में मुझे अपने साथ सोने के लिए बुलाते हैं। एक बार तो एक शख्स ने मुझसे पूछा था कि क्या जो तुमने पहन रखा है ये ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा एक दूसरी एक्ट्रेस सुनीता रेड्डी ने कहा कि उन्हें आउटडोर शूटिंग सेट पर बाहर ही कपड़े बदलने पड़ते हैं। उन्हें मैनेजर कहते हैं कि स्टार्स की वैनिटी बैन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी इजाजत नहीं। हमारे साथ सेट पर कीड़े मकौड़ों की तरह व्यवहार होता है। एक्ट्रेस श्री रेड्डी ने फिल्म चेंबर पर कास्टिंग काउच के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया था। उन्होंने शोषण के विरोध में हैदराबाद स्थित फिल्म चेंबर ऑफिस के बाहर सड़क पर टॉपलेस होकर धरना दिया। ये इलाका हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स में है। श्री रेड्डी के विरोध के बाद साउथ इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस ने इस विरोध को आंदोलन का रूप देने की ठान ली है।